हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप हमारी बालकनी में ये पोमेग्रेनेट फ्रूट ट्री देख रहे हैं। इसको अनार और बेदाना भी कहा जाता है। आप बालकनी में फ्लावर प्लांट के साथ साथ आप फ्रूट ट्री भी रख सकते हैं। स्पेशली देखभाल करने की इसके कोई ज़रूरत नहीं होते है। कोई कोई फ्रूट ऐसा है जो इंडियन वेदर में इजीली पॉट में ग्रो हो सकते हैं। इनमें से पोमेग्रेनेट ट्री ऐसी है, एक हार्डी ट्रीज है। ये डिजीज और ऑलमोस्ट नहीं होता है इसमें। एक मीडियम हाइट में ये बहुत ही अच्छा फल देता है। इस ट्री को साल में 2-3 बार फल आता है। इस ट्री में फ्रूट ट्री में मैंने देखा है 3-4 चीज़ें में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तो सनलाइट, कोई भी फ्रूट ट्रीज ऑफ सनलाइट में 4-5 घंटा दिन में आना चाहिए। और सेकेंडली वाटर, वाटर इसको विशेष जरूरी होता है फ्रूट ट्री में, क्योंकि ज़्यादा वाटर देने से फ्रूट ट्री में छोटा अवस्था में ही फल झड़ जाएंगे और कम पानी देने से फूल सूख भी जाएंगे। इसलिए पानी को आपको बैलेंस में ही देना चाहिए। थर्ड, पॉलिनेशन ठीक से होना चाहिए। अगर इसमें हानी भी अट्रैक्ट है, नहीं तो हैंड पॉलिनेशन करना होगा। नहीं तो आप कोई भी फ्लावर पॉट के साथ उसमें बीच में रख सकते हैं। नहीं तो वो एक ही किस्म का दो ही पौधा आप रख सकते हैं, उसमें भी पॉलिनेशन इसके ठीक ठाक हो जाएंगे। और फोर्थ है सॉइल। किसी भी गार्डन सॉइल ले लीजिए। इसमें कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन मील मिला के आप सॉइल रेडी करें। एक्चुअली प्लांट को ऑलवेज आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दे दीजिए। नहीं तो इसमें अब केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो आपको पता नहीं होगा ये कैसे, मतलब प्लांट वो लेंगे बाद में वो सूख भी जाएंगे। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने से इसका डर नहीं रहेंगे आपको मन में, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होंगी। Thanks for watching.